हम पिछले 2 महीने से लड़ रहे हैं कि औरंगाबाद शहर की दुकानें जो है पूरी 26 दिन खुले रहे। पहला हमारा सब्जेक्ट यही था, हमने कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया, हमने पोर्ट ऑफिसर को भी लेटर दिया, ये मिला के तीसरा लेटर है। और आज हमने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि जिस तरह से दुकान वाले कह रहे कि भाई पीले राशन कार्ड वाले को किसके पास 2 मेंबर तो 4 किलो 5 किलो दे के भगा रहे, लेकिन आज वो क्लियर हो गया। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिसके पास भी पीला राशन कार्ड है वो घर में 2 मेंबर रहो के 10 रहो के 50 रहो के 100 रहो, उसको पूरा 35 किलो अनाज मिलेगा, ये आज क्लियर होगा। तो आप सभी पीले राशन कार्ड के जो धारक हैं उनसे मेरी भी रिक्वेस्ट है कि किसी दुकानदार से माल कम ना ले बल्कि पूरा 35 किलो ले, 5 और 2 किलो 10 किलो देते उसके मुंह पर वहीं थैली फेंक कर मारें, 1 रुपया उसको ना दे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है महाराष्ट्र सरकार भी उसको अच्छी तरह से लागू कर रही है, लेकिन दुकानदारों की जो हड़दर्मी चल रही है कि 5 किलो 2 किलो दे रहे हैं अब वो नहीं चलेगा, वो आज क्लियर होगा। मैडम ने आज कहा कि हम भी अपनी तरफ से आज उसको क्लियर कर रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि जिस तरह से हमने कहा कि जितने दुकान औरंगाबाद शहर में उसके ऊपर बोर्ड लगाया जाए, बोर्ड लगाकर उसके ऊपर पीले कार्ड केसरी कार्ड के कितने उस पर ग्राहक है उसकी क्वांटिटी लिखा जाए, ये भी डिक्लेयर होना चाहिए, और दुकान पर मूल परवाना धारक का नाम होना चाहिए। ये सारी बातें हमने करें। दूसरा ऐसा है कि अगर अब ये आने वाली जो है 16 फरवरी तक अगर ये अमल में नहीं आती है तो उसके बाद हम 17 या 18 तारीख को बेमुद्दत उपोषण हम कलेक्टर ऑफिस के सामने करेंगे, ऐसा हमने आज राइटिंग के अंदर उनको दे दिया है। और जब तक कि ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, राशन गरीब के घर तक नहीं पहुंचेगा पूरा 35 किलो पीले कार्ड वालों का, और केसरी कार्ड वालों का भी जो 5 किलो का है ये उनका हक जब तक नहीं मिलेगा, ये हमारी लड़ाई आज हमने ऐलान कर दी है कि 16 फरवरी के बाद हम कलेक्टर ऑफिस के सामने बेमुद्दत उपोषण शुरू करेंगे, ऐसा हमने आज ऐलान कर दी। मैडम सर, जैसा आपने कहा है कि पीले कार्ड वालों को 35 किलो, मेरा सवाल ये, अधिकारी ने आपको ओरल बोला है कि इसका कोई GRB है? GRB है, और अभी वो लेटर भी निकल रहे हैं अभी कि हम राइटिंग में लेटर निकाल रहे हैं कि पीले कार्ड वाले को 35 किलो, चाहे घर में 1 मेंबर हो कि 100 मेंबर हो, उसको 35 किलो मिलेगा। लेकिन सर हमारा सर्वे, हम भी शहर में घूमते हैं, राशन दुकानदार कहता है कि 3 मेंबर है आपको 5 किलो मिलेगा, 2 किलो मिलेगा, इसके बारे में क्या करता है, ऐसा कहता है तो? लेव मत ना, ये हमारी क्लिप बताओ ना और उसका नंबर वहीं से दो, उससे हमारी बात कराओ, हम बात करेंगे डायरेक्ट। अगर वो आपको दादागिरी की बात करता है आप हमारे से बात कराइए, हम आपका हक दिलाने के लिए रोड पर खड़े हैं, हम किसी के खिलाफ में नहीं। हम तो दुकानदार वालों को बोले कि अगर आपको कोटा कम मिल रहा है तो आप हमको बोलो कि हमको गवर्नमेंट कोटा कम दे रही है, और ऐसा हमको बोला है कि ऐसा कम दो, हम दुकान वालों के लिए भी लड़ने को बैठे हुए हैं, हमारी किसी दुकान वालों से दुश्मनी नहीं है। हम सबको ये बोलना चाह रहे हैं कि हकदार को हक मिले, अब तक जो हुआ हुआ अब नहीं चलेगा। सर मगर एक शिकायत ये भी देखनी भाई, हमारा सर्वे है कि दुकान पर जब जाता है कोई ज़यीफ़ आदमी तो दुकानदार कहता है कि आप ज़यीफ़ हो गए हैं, आपके उंगली के निशान नहीं आ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ऊपर का मामला है, उसे क्या कहेंगे आप? उसको नीचे लाते ना, ऊपर वाले को भी नीचे लाते ना, अगर आपको बोला कि थम्स आ रहे नहीं, कोई शिकायत हमारे पास ऐसी भी है कि कई दुकानों पर मुखबधिर अपंग लोगों के जो है थम्स ले लिए गए 2-2 3-3 बार और उनको अनाज नहीं मिला, तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि जिनको भी अगर ऐसी शिकायत आ रही कि थम्स देने के बाद माल नहीं मिला, हमने कहा था कि आप हमारे पास से फार्म ले जाओ, हमने आपको 5-5 नंबर दिए हैं, 5 नंबर हमने आपको दिए हैं, फिर एक बार मैं कहता हूँ मेरा नंबर ले लीजिए 9822880158, मैं सलीम पटेल भागवकर मेरा खुला आपको नंबर दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने आप सबको नंबर दिया हूँ, आप हमारे पास से फार्म ले जाइए, तकरार फार्म हमने फ्री रखे हैं, आप उसमें आपकी डिटेल भरिए। और दूसरा मेन बात, जिन लोगों को जनवरी का 35 किलो अनाज नहीं मिला है वो इस महीने में 70-70 किलो अनाज संबंधित दुकानदार से ले, वो दुकान का राशन ना छोड़े, ये आज हमने क्लियर कर लिया है। पिछले महीने का, इस महीने का 70 किलो अनाज पीले राशन कार्ड वालों को मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा आप मुझे कांटेक्ट करो, उसी दुकान पर खड़े के बात कराइए, बाकी का हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार। हमने देखा है इससे पहले कई पार्टी के लोग हैं, इसमें तमाम पार्टी के लोग हैं, ये निवेदन देते हैं, धरना भी देते हैं जैसा आप दे रहे हैं, और पता नहीं फिर ये आवाज़ बाद में बैठ जाती है, दब जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत कड़वा सच है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए लापता गंज के बहुत सारे लीडर हैं, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जनहित में लड़ने वाले हैं और जिस सिरे को पकड़ते हैं उसको पूरा खोल कर ही रहते हैं, हम अपने लिए नहीं, हम तो आम जनता के और गोर गरीब के हक के लिए लड़ रहे हैं, और जब कोई हक के लिए लड़ता है तो उसके साथ आसमान वाला भी होता है और दुनिया वाले भी होते हैं, जिसकी नीयत में ही खतरा है तो उसकी झोली में खतरा है, हम तो खुले हैं ना, खड़े हुए रोड पे,
इसलिए कह रहे हैं कि हम 18 तारीख से बेमुद्दा दुपोषण को बैठेंगे। आप सबका ताउन भी जरूरी है। जनता से भी मेरी गुजारिश है कि जिनको राशन नहीं मिल रहा वो भी हमारे टेंट में आए, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं लड़ रहे। अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम आपके लिए कहीं तक भी लड़ने की हमारी तैयारी है। 35 किलो राशन है, गेहूँ कितने? देखिए, गेहूँ चावल का ऐसा मुद्दा तो नहीं बताया गया, लेकिन मेरे अंदाजे से बता रहा हूँ कि 25 किलो घी हो गया और 10 किलो चावल है, ऐसा 35 किलो का अनुमान है। सर, एक सवाल जहन में आ गया, लोग कहते हैं कि राशन की दुकान पे दाल भी मिलती है, शक्कर भी मिलती है, शक्कर का बार बार जिक्र आता है, क्या मैडम ने बोला है कि खाली घी चावल आते हैं साथ में शक्कर भी आती है या नहीं आती? देखिए, शक्कर के बारे में हमने क्लियर कहा है उनसे, कुछ दुकानों की शिकायत उनके पास भी है। शक्कर का जो मसला है वो जरा थोड़ा नाजुक मसला है, कहने के उसमें धांधली गड़बड़ी हो रही है, ये तो फैक्ट है। मैडम क्या बोली कि बेचारे मैडम तो अभी हम तो पहले से देख रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं पहले अनाज मिले, शक्कर चावल घी तो बात का विषय, पहले पेट को मिलेगा तो बाद में सब मिलेगा। सर, वह शक्कर तो मीठी होती है तो उसमें कड़वापन क्यों? बिल्कुल लाएंगे ना, वो कड़ू मीठा सब सामने लाएंगे ना, आओ ना हमारे साथ। हम इसलिए बोले कि भाई आप सब लोग जिनको राशन नहीं मिल रहा, आज भी हम आपके माध्यम से डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो 18 तारीख को अगर हम उपोषण को बैठते हैं, हम दो दिन पहले इसी प्रेस के माध्यम से कहेंगे जो लोगों को राशन नहीं मिल रहा वो कलेक्टर ऑफिस पर हमारे मंडप में आओ, आपकी शिकायत के फॉर्म भर के दो, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। मैं सलीम पटेल वाहेगावकर, महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, मेरे साथ शेरू भाई, मेरे साथ सैयद साहब, जावेद पटेल, सलमा भाभी, अनिसा भाजी, महिला के हमारे सभ्या भाजी, अजीम पटेल, अनीस, निजाम भाई, शफीक पटेल और बब्बू, तमाम हमारे पार्टी के लोग जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ मौजूद है। हम सब ने मिल के फिर एक बार तीसरी बार निवेदन दे दिया है, हमने 18 तारीख 16 तारीख के बाद कभी भी हम लोग यहाँ उपोषण को बैठ सकते। मेरी आपके माध्यम से जनता से अपील है कि आपका सहयोग बिना हमारा सारा काम अधूरा है, आप आओ, हम साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे लोग आना, वो मत मान जाएंगे।